Okay, so the question is apply division algorithm. Using division algorithm, I have to find the quotient and remainder on dividing fx by gx. So I know that this fx is my dividend. This fx is my dividend and this gx is my divisor. ठीक है सर. जब हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि द क्वोशेंट इज द डिग्री ऑफ क्वोशेंट विल बी डिग्री ऑफ क्वोशेंट विल बी डिग्री ऑफ डिविडेंड माइनस डिग्री ऑफ रिमाइंडर सॉरी डिग्री ऑफ डिवाइजर. Degree of quotient will be degree of dividend minus degree of divisor. So from here I can make out that the degree of divisor will be 2. The degree of quotient will be 2. This I can understand from here. Further, now इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं that it will be 4 minus 2 which is equal to 2. Further हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर मेरे divisor की degree 2 है, अगर डिवाइजर की डिग्री 2 है सर, तो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? रिमाइंडर की जो डिग्री होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी. सेफ साइड पे लेट अस टेक इट एज 1. अगर 0 होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 1. ठीक है सर. अब अपन मान लेते हैं लेट क्वोशेंट इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू px प्लस q. अब देखो होगा क्या, अगर ये रिमाइंडर की डिग्री 0 होगी तो p 0 हो जाएगा. लेकिन अगर हम जीरो मान के चलते और डिग्री 0 नहीं होती तो फिर हमारा डिवीजन एल्गोरिदम सेटिस्फाई नहीं करता. तो हम ये मान के चलेंगे कि हाँ ठीक है, रिमाइंडर की डिग्री 1 या तो 0 हो सकती है, तो हम 1 मान के चलेंगे. अगर 0 होना होगा तो पी 0 हो जाएगा, डेट्स इट. अब नाउ आई विल अप्लाई द रिमाइंडर एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम. सो आई विल हैव 10x रेज टू द पावर 4 प्लस 17x cube minus 62x square plus 17x cube minus 62x square plus 30x minus 3 plus 30x minus 3 is equal to 2x square minus x plus 1. 2x square minus x plus 1 multiplied by ax square plus bx plus c plus px plus q. ठीक है. आप यहां पे एक काम और कर सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट मेथड, बट वी कैन डू वन मेथड. जरा इस 2x square minus x plus 1 को फैक्टराइज करके बताओ, व्हाट आर द फैक्टर्स यू आर गेटिंग सर? 2 एंड 1 माइनस 2x प्लस 1x, मतलब इट विल बी 2x माइनस. अच्छा सर. हाँ वैसे मतलब व्हाट इफ यू विल हाउ यू विल फैक्टराइज इट, इट विल कम आउट टू बी 2x माइनस 1 इनटू 2x x प्लस 1 लाइक सर टाइप समथिंग. लेकिन उससे फायदा होगा नहीं. व्हाट आई वाज प्लानिंग कि हम इसको क्या करते, इसको फैक्टराइज कर देते, और जैसे हम लोगों ने x टू द पावर 1001 माइनस 1 वाले क्वेश्चन को जब अपन x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर रहे थे, द वे वी डिड, आई वाज प्लानिंग टू डू दिस क्वेश्चन लाइक दैट आल्सो, बट इट विल नॉट बी फ्रूटफुल, क्योंकि इससे अपन को रिमाइंडर की तो वैल्यू मिल जाएगी लेकिन क्वेश्चन की वैल्यू नहीं मिल पाएगी. तो बेटा हम इसे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा. तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द ओनली वे वी आर लेफ्ट विद. So let us try to multiply this and see what happens. Now I will have 2ax raised to the power 4 minus, what happened to you? Minus ax cube plus ax square plus
2bx³ + 2cx² - नाउ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी सारे टर्म्स को, फिर मैंने क्या किया 2b से b से मल्टीप्लाई कर दिया, एक सेकंड यहां पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, जब आई वाज मल्टीप्लाइंग इट विद बी माइनस ऑफ bx³ - bx³ + bx, फिर अब मैं पूरे सारे टर्म्स को c से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस ऑफ 2cx² - cx + सर वो माइनस बी एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, कहाँ पे सर वो, हाँ सर माइनस बी एक्स स्क्वायर, माइनस बी एक्स स्क्वायर ये वाला ना, इसकी बात कर रहे हो ना? यस सर, यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx² - cx + c, ये अपन ने कर दिया, और प्लस ऑफ px + q, दिस इज इक्वल टू माय गिवन एक्सप्रेशन। अब सारे कोफिशियंट्स को अपन कंपेयर करेंगे, तो एक बार इसको ऐसे लिख दो, विच इज इक्वल टू 2ax⁴। अब b के x क्यूब के कौन कौन से टर्म्स हैं, 2b - a x³, x² के कौन कौन से टर्म्स हैं, a - b + 2c x² x के कौन कौन से टर्म्स हैं भाई, +b - c + p × x, और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट इज माय c + q, और बीच में आ गया माइनस प्लस का साइन, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू माय गिवन एक्सप्रेशन, अब x⁴ के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, x³ के कोफिशिएंट के को कंपेयर करो, x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, x को कंपेयर करो, और लास्ट में कांस्टेंट को कंपेयर करो, यू विल गेट योर रिजल्ट। सो एक मैं कर देता हूं, बाकी आप लोग करते रहना। 2a = 10, 2a = 10, that gives me a is equal to 5. Now from here you can, now from here you can go with the different methods, go with calculate the different values. What I wanted to do was ki kya apan yahan pe kuch aur kar sakte the, isliye maine aapko bola tha ise factorize karne ke liye, but factorization karne se hame p aur q ki to value mil jati. अगर हमें ऐसा पूछा जाता कि यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय 2x² - x+1, तो अपन आराम से कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे करते, चलो यहां से एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है। सी बेटा, ट्राई टू फॉर्म डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट। अब आप लोग की ऐसी एज आ गई, नाउ यू कैन फॉर्म डिफरेंट क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन आपको बोलता हूं मैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। द क्वेश्चन इज Find the remainder when, and obviously you have to apply division algorithm only. Applying division algorithm, find the remainder when this polynomial fx is divided by 2x² - x+1. When this polynomial fx is divided by 2x² - x+1. तो देखो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है जितना अपन ने यहां पे किया है। सबसे पहले तो इस जीएक्स को फैक्टराइज कर दो। तो अगर जीएक्स को फैक्टराइज करूंगा, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई विल गेट द वैल्यू एज 2x - 1 × x - 1। जरा कंफर्म करो, यही वैल्यू आ रही है या कुछ और आ रही है, या अगर कुछ और आ रही है तो जल्दी से वैल्यू बताओ। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस? नहीं सर, ये नहीं आ रही। क्या फैक्टर है? नॉर्मल मेथड से फैक्टराइज ही नहीं हो रहा। अच्छा, ये नॉर्मल मेथड से फैक्टराइज होगा ही नहीं। ये नॉर्मल मेथड से फैक्टराइज ही नहीं हो रहा। यस, सही बात है, ये नॉर्मल मेथड से फैक्टराइज ही नहीं हो रहा। ठीक है, काम करते हैं। व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज, मान लो अगर हमारे पास कुछ -3x होता तो हो जाता। हां, मान लो अगर मेरे पास ऐसा पॉलिनोमियल होता कि 2x² - 3x सर प्लस, एक मिनट बेटा, अगर मेरे पास ये पॉलिनोमियल होता 2x² - 3x + 1,
तो उस केस में मैं क्या करता, मैं सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करता, दैट इज वो पॉलिनोमियल हो जाता 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, ठीक है। फिर मैं क्या लिखता यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू बोल दो, या फिर से कंफ्यूज हो जाओगे तो ऐसा करो ए एक्स प्लस बी लिख दो, ठीक है। क्यों लिखा ऐसा, अब क्या करोगे जी एक्स की जगह आप पुट कर दो एक्स, ये टू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन, इसकी जगह पुट कर दो 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस qx इज इक्वल टू ax प्लस b एंड दिस इज इक्वल टू fx, ठीक है सर। अब क्या करोगे, आप एक बार x की वैल्यू 1 बाय 2 रखोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म मेरा जीरो हो जाएगा। जब x की वैल्यू आप 1 बाय 2 रख रहे हो तो 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय qx will become zero। यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगी a और b में, फिर जब आप x equal to 1 put करोगे again this term will become zero, so again you will get one equation in p and q, again you will get one equation in a and b, so basically you are having two variables and two equation, you can calculate the value of a and b, this is what we did while calculating x to the power 1001 minus 1 divided by x square minus 1। कुछ ऐसा ही काम उस क्वेश्चन में किया था, याद करो आज से कुछ 10-15 दिन पहले, नहीं हफ्ते भर पहले अपन ने कुछ ऐसा डिस्कशन किया था, ठीक है। हाँ दर्श, यू आर सेइंग समथिंग, प्लीज बोलिए। सर एक मिनट सर। सर इसमें हम ये नॉर्मल जो हम डिवीजन करते हैं सर वही करके सिर्फ कर दे आंसर, तो सर वो भी वैसे तो डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं बेटा, डिवीजन एल्गोरिथम सेज दैट मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, दैट मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवीजन एल्गोरिथम सेज दैट यू हैव टू अप्लाई द थिंग दैट डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज कॉल्ड एज। हां बोलिए सर, आपने जो पहले मेथड से किया तो सर आपने जो मेथड, सर अभी आपने जो मेथड बोला तो सर उसमें से तो हमें ये जो पूरा सर fx है सर वो पूरा मतलब रिड्यूस होके सर एक सिंगल नंबर आ जाएगा और फिर सर हमें, अच्छा सर कोई नहीं सर कुछ नहीं। हाँ आप क्या बोलो दर्श, बताओ। सर आपने जो पहले मेथड किया था वो कोशेंट को मल्टीप्लाई करके तो सर उसे कोशेंट आया होगा 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10। मैंने कैलकुलेट नहीं किया बेटा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। हां तो सर, हां सर, तो फिर वो वाले में सर रिमाइंडर कैसे निकालना है ना सर, वो मेरे को नहीं आ रहा। रिमाइंडर बेटा बाद में, लास्ट में p और q आए थे ना, आपने आपने जब सारे कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर करोगे तो 30 विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लस p और माइनस 3 विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लस q, इधर सारी चीजों की वैल्यू अभी आपने ऊपर से कैलकुलेट कर ली है तो p की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, q की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। आप एक बार ट्राई तो करो क्वेश्चन। नहीं सर समझ में नहीं आया। पूरा क्वेश्चन करवा के मानोगे? हाँ चलो भैया कर लो, बताओ यार क्या क्या वैल्यू। सर वो मेरा डिवाइस में से सर वो लॉग आउट हो गया था, मतलब स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए नया डिवाइस में लॉग। ठीक है आप एक काम करना, आप या तो रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझे बताना, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। क्योंकि अगर मैं फिर से पहले भी किया था ना ये वाला, जी ये पहले भी किया था, ये पहले भी किया था। तो सर तभी वो आपने बोला था ना, तब समझ में नहीं आया था मेरे को, फिर दूसरे दिन पूछना भूल गया था मैं। चलो देख लो यार, this will be 10x raised to the, एक काम करो तुम मुझे अपना सॉल्यूशन जो तुमने किया है वो मुझे सेंड करो, ठीक है। अभी सुना था तुमने जो मैंने बताया आपको सर? क्या अभी जो मैं इतनी देर से पिछले 20 मिनट से समझा रहा हूँ ये सुना आपने? सुना था आपने सर? मतलब हाँ थोड़ा सुना था, फिर नए डिवाइस में लॉगिन किया। ठीक है आप एक काम करो, आप रिकॉर्डिंग देखो, अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे से कल बात करना, मैं कल आपको समझा दूंगा, ठीक है। आप मेरे से कल बात करना, कल क्लास है ना, आप एक बार रिकॉर्डिंग देखो, नहीं समझ में आता है तो बताना, मैं आपको समझा दूंगा,
ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 14 to 18। कुछ लोगों ने मुझे डाउट्स भेजे थे, बता दो यार जल्दी से बता दो, आई डोंट हैव माय मोबाइल सो आई कांट सी इट। कौन से क्वेश्चन में डाउट है फटाफट? 14 to 18। 14 क्वेश्चन में डाउट है। 14 क्वेश्चन में डाउट है। और किसी क्वेश्चन में डाउट है? 14 में डाउट है, फिर 16, 17, 18 तीनों में डाउट है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देख लेते हैं। 14 की बात करें अगर, इफ x माइनस रूट 5 इज ए फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, मेरे को बाकी के जीरोज निकालने हैं, तो बाकी के जीरोज निकालने के लिए सी देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। एक तो आई कैन गो बाय द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स आल्सो। सेकेंडली आई कैन गो बाय द दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आई विल एक्सप्लेन यू, एक काम करते लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते, दैट विल बी आई गेस यू गाइस आर कंफर्टेबल इन दैट। बट इवन इफ यू वांट यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स आल्सो। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड। x माइनस रूट फाइव से आप गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कीजिए, विच इज एक्स क्यूब माइनस थ्री रूट फाइव एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस थ्री रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस थ्री रूट फाइव। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन। सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस देयर विल बी रूट फाइव एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, सो फाइनली आई एम हैविंग टू रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस थ्री रूट फाइव। फिर मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस टू रूट फाइव एक्स से। जब मैं टू रूट फाइव एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा सर, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो माइनस टू रूट फाइव एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा मुझे माइनस टू रूट फाइव, माइनस रूट फाइव एंड माइनस टू रूट फाइव, डेट इज आई विल गेट प्लस 10x। नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट देम, सो हियर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सो फाइनली आई एम गेटिंग 3x माइनस थ्री रूट फाइव, 3x माइनस थ्री रूट फाइव। अब जो है मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो आई विल गेट 3x माइनस थ्री रूट फाइव। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ गया, मेरे को क्वेश्चेंट मिला एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव एक्स प्लस थ्री। अब इसको फैक्टराइज कर लो, इसको जब फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेट योर रिजल्ट। अब इसे फैक्टराइज करेंगे कैसे भाई, कोई बताएगा मुझे हाउ विल आई फैक्टराइज इट? सर टू रूट फाइव एक्स को हम लोग एक मिनट आप क्या बोल रहे बेटा? सर टू रूट फाइव एक्स जो है उसे हम रूट फाइव और रूट टू के फॉर्म में लिखें। रूट फाइव और रूट टू के फॉर्म में लिखेंगे, वेरी गुड। देखो भाई यहाँ पे फैक्टराइजेशन वॉज ए लिटिल बिट ऑफ ट्रिकर थिंग, इसीलिए इस क्वेश्चन को अगर आप रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशियंट से सॉल्व करते तो शायद ये क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाता। फैक्टराइजेशन इज लिटिल बिट अ ट्रिकी थिंग, बट ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं देखते हैं क्या होता है। देखो अगर मैं इस 3 को, सी आई हैव टू राइट 3 एज ए मल्टीपल ऑफ रूट 5, 3 को मुझे रूट 5 के मल्टीपल के रूप में लिखना है, तो अगर मैं 3 को, कैन आई राइट 3 एज रूट 5 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5 माइनस रूट 2, आई कैन राइट दिस। कहाँ से ये आइडिया मिला मुझे? ये आइडिया मिला मुझे क्योंकि मेरे को 3 को लिखना था एज ए रूट फाइव होल स्क्वायर, मुझे 3 को रूट फाइव के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना था, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। बट स्टिल मेरी समस्या अभी सॉल्व नहीं हुई है, माई समस्या इज स्टिल देयर। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, इफ आई एम राइटिंग दिस माइनस टू रूट फाइव एज, अब देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, माइनस ऑफ रूट फाइव प्लस रूट टू माइनस रूट फाइव माइनस रूट टू, तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे बनेगा सर? देखो यहां से मैंने एक्सपेंड किया माइनस रूट फाइव माइनस रूट टू
माइनस रूट फाइव प्लस रूट टू, ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई, फाइनली आई एम हैविंग माइनस टू रूट फाइव, हो गया मेरा फैक्टराइज। ये मैं इसको क्या करूंगा, आप देखो ध्यान से समझना सर। सर सेकेंड स्टेप समझा सकते हो बेटा? मैंने क्या किया, मैंने थ्री को रूट फाइव स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर लिखा। अब ये तो थ्री तो आ गया, लेकिन मुझे इन दोनों का जो सम है वो माइनस टू रूट फाइव भी तो चाहिए। तो माइनस टू रूट फाइव लाने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को के निगेटिव को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है? क्योंकि दो निगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैंने इन दोनों के निगेटिव को मैंने ऐड कर दिया, मैंने दोनों नंबर का निगेटिव लिया और उसको ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे फाइनली इस रूट टू को गायब करना था। सो फाइनली माई नंबर विल बी एक्स स्क्वायर। सर वो थ्री का बोलो ना सर, आपकी आवाज कट गई थी, बस थ्री का बाकी समझ आ गया। बेटा आवाज कट गई थी तो प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग्स, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिपीट ईच एंड एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, आई एम सॉरी। अदरवाइज आपका सिलेबस फिर चार साल में कंप्लीट होगा। थ्री को मैंने लिखा रूट फाइव प्लस रूट टू मल्टीप्लाइड बाई रूट फाइव माइनस रूट टू। क्यों ऐसा लिखा, कहां से मेरे पास ज्ञान आया? मेरे पास ज्ञान आया इसलिए क्योंकि मुझे थ्री को इस तरीके से लिखना था कि आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस इट एज ए फैक्टर ऑफ रूट फाइव। अब अभी फिलहाल जो समझा रहा हूं वो समझ लो, थोड़ी देर के बाद इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। दो मिनट रुक जाओ, समझ लो जो समझा रहा हूं। नाउ फ्रॉम हियर इफ यू विल स्टार्ट टेकिंग कॉमन, एक्स कॉमन लिया तो मुझे यहां से मिला एक्स माइनस ऑफ रूट फाइव प्लस रूट टू। अब यहां से क्या कॉमन लू भाई, अब यहां से क्या कॉमन लू, कोई बताएगा? यहां से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा यार। सर रूट फाइव और रूट टू, रूट फाइव माइनस रूट टू, रूट फाइव माइनस रूट टू कैसे कॉमन ले लूं यार? नहीं रूट फाइव प्लस रूट टू, रूट फाइव प्लस रूट टू कॉमन ले लूं, ठीक है? देखो वेरी गुड, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मैं तो आप लोग से पूछ रहा था माइनस ऑफ रूट फाइव माइनस रूट टू एक्स, ठीक है? प्लस ये जो थ्री है, इस थ्री को मैंने लिख दिया रूट फाइव प्लस रूट टू मल्टीप्लाइड बाय रूट फाइव माइनस रूट टू। इस थ्री को मैंने लिख दिया रूट फाइव प्लस रूट टू माइनस ऑफ मल्टीप्लाइड बाय रूट फाइव माइनस रूट टू। अब देखो आगे क्या हो रहा है, आगे की कहानी सुनो। यहां से तो हमने कॉमन ले लिया था एक्स इंटू एक्स माइनस रूट फाइव प्लस रूट टू। यहाँ पे ब्रैकेट का बहुत ख्याल रखना बेटा, नहीं तो घूमते रह जाओगे, सवाल सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद इन दोनों से मुझे क्या कॉमन लेना है, रूट फाइव माइनस रूट टू मैंने कॉमन लिया तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, एक्स माइनस ऑफ रूट फाइव माइनस रूट टू, रूट फाइव माइनस ऑफ रूट फाइव प्लस रूट टू, ठीक है? ये मेरे पास यहाँ कॉमन बचा। फाइनली जो मेरे फैक्टर्स हो गए वो हो गए एक्स माइनस रूट फाइव माइनस रूट टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस रूट फाइव प्लस रूट टू, ठीक है? ये मेरे फैक्टर्स हो गए, ये मेरा मेथड हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि देखो ये जो नंबर आया था मेरा एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव एक्स प्लस थ्री, ये जो नंबर है ये मेरा फैक्टराइज नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्यों नहीं फैक्टराइज हो रहा था, क्योंकि एक तरफ मेरे को थ्री मिल रहा था और द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आई वॉज गेटिंग एज थ्री, द सम ऑफ दोज टू नंबर्स आई वॉज गेटिंग एज माइनस टू रूट फाइव। अभी जब अपन पॉलिनोमियल, जब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर हम इस टाइप के फैक्टराइजेशन को करना सीखेंगे। Another method of doing this factorization, there are two, three methods of doing this factorization. One method will be, I will teach you guys in quadratic equation chapter, क्योंकि अगर exam में ये question आता है तो वहाँ पर ये restriction नहीं होगा कि आपको polynomial से करना है, आपको quadratic equation से करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ solve करके बाकी दो zeros को बताना है, ठीक है? तो that method of calculating the factorization, factors using D, using discriminant, that I will tell you in the
इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट यहाँ पे एक चीज और हमें एक देखने वाली बात यह है कि सर लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो हम फंस गए, हम नहीं गेस कर पाए कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कैसे करेंगे अपन थ्री को, मैंने फाइव प्लस रूट टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव माइनस रूट टू क्यों लिखा, कैसे लिखा सर, मैं नहीं समझ पाऊंगा, कैसे होगा सवाल, क्या करूं मैं। तो एक मेथड और है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ट्राई करके देखते हैं। वन थिंग आई नो सर, हाँ बोलिए सर, ये क्वेश्चन में तो वैसा तो नहीं बोला कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड से ही सिर्फ हम लोग जीरो निकाल सकते, तो सर हम लोग कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से भी तो निकाल सकते जीरो। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर बेटा आपने पढ़ा है, क्या आपकी क्लास में प्रेजेंट बाकी बच्चों ने पढ़ा है? मैं वही तो इतनी देर से समझा रहा हूँ कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, आपके पास मेथड का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन सॉल्व इट बाई एनी ऑफ द मेथड, दिस इज वॉट आई टोल्ड यू जस्ट टू थ्री मिनट्स बैक। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर आपने पढ़ा है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड आपने पढ़ा है, क्या आपकी क्लास में बाकियों ने पढ़ा है? तो जो बता रहा हूं वो सुनो, ये मेथड्स हैं, मैंने भी अभी यही बोला कि ये मेथड हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आई विल स्टार्ट टीचिंग ईच एंड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर ओनली, पता चला कल से मेरी क्लास में कोई आएगा ही नहीं। अब चुपचाप बैठ के सुनो, नाउ वन रूट इज रूट फाइव, एक्स माइनस रूट फाइव इज ए फैक्टर, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू रूट फाइव इज वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज रूट फाइव प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए दैट इज इट इज इक्वल टू थ्री रूट फाइव। तो बीटा प्लस गामा आई एम गेटिंग, बीटा प्लस गामा आई एम गेटिंग टू रूट फाइव, पहली चीज। दूसरी चीज ये, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज रूट फाइव मल्टीप्लाइड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय गामा दैट आई विल अगेन गेट एज, दैट आई विल गेट एज थ्री रूट फाइव। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, माइनस डी बाई ए होता है, दिस वाज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सो डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस थ्री रूट फाइव, सो दिस विल बी इक्वल टू थ्री रूट फाइव, सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू थ्री। नाउ दिस इज ए कंपेरिटिवली एन ईजियर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देखो मुझे दो इक्वेशन मिल गई, एक मिल गया मेरे को बीटा प्लस गामा इक्वल टू टू रूट फाइव, एक मिला मेरे को बीटा गामा इज इक्वल टू थ्री। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ बीटा एंड गामा। आप सुनो मेरी बात, कैसे सॉल्व करेंगे, आई कैन टेल यू डायरेक्टली आल्सो, बट बीटा माइनस गामा निकाल सर, एक मिनट एक मिनट, यस बीटा माइनस गामा विल बी इक्वल टू बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर, बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस फोर बीटा गामा, राइट? आई होप आई एम करेक्ट। So this will be beta plus gamma whole square is 4 into 5 which is equal to 20, 20 minus 12, 20 minus 4 into 3 which is equal to 12. So from here I am getting beta minus gamma is equal to 2 root, क्या बोलते इसको, 12 आया ना, तो this is nothing but, क्या कर रहा हूँ मैं? 8 आया ना, ठीक है, 8 आएगा ना, so this is nothing but 2 root 2, तो बीटा माइनस गामा आया 2 root 2 एंड बीटा प्लस गामा आया मेरे पास 2 root 5, ठीक है? Now from here what I will get, beta is equal to root 5 plus root 2 and gamma is equal to root 5 minus root 2, ठीक है? बाकी के दोनों roots मिल गए। I think this is an easier method of solving this rather than solving by long division method. This is an easier method of solving rather than solving by long division method. तो अब जो है यहाँ पे मेरा एक टिप याद कर लो बच्चों कि from next time whenever you will get this type of question, whenever you are getting this type of question and यहाँ पे अगर आपके पास cubic polynomial है तो go by the method of roots. रूट्स, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें।
अदरवाइज क्या हो सकता है कि आप फंस सकते हो सिचुएशन में. जब तक सुने, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, जब तक आप लोगों ने आगे के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं. एक बार आगे का चैप्टर पढ़ लोगे फिर जिस मेथड से जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब तक आगे का चैप्टर नहीं पढ़ा है तब तक गो बाय द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 15 क्वेश्चन में डाउट है. इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन एक्स क्यूब, इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री इज 21, फाइंड द कोशेंट एंड द वैल्यू ऑफ के. Find the quotient and the value of k. Find the zeros of the cubic. Sir, सुनिए. बोलिए बोलिए. Answer आ तो गया था k की value -9 थी. मतलब -9 और उसमें मतलब दोनों के जो मतलब roots मतलब बाकी के दो zeros निकालने थे तो उसमें फिर मैंने वो क्या कि sum of जो भी zeros के जो भी होते तो वैसा करके मैंने किया तो उसमें मतलब मैंने 3 जो कि था x माइनस 3 में 3 एक 0 है और बाकी के दो 0 को मतलब a और b ले लिया. उसके बाद उसमें मतलब b माइनस b अपॉन सॉरी जो भी माइनस b अपॉन a तो उसमें माइनस 2 आ गया तो उसमें a प्लस b की वैल्यू माइनस 5 हो गई और उसमें फिर मैंने 3 a b से फिर उसमें वैल्यू निकली मेरी 18. हाँ और फिर उसके बाद ए बी की वैल्यू उसके बाद उसमें 6 आ जाएगा. ए बी की वैल्यू 6 आ जाएगा उसके बी में 6 अपॉन ए आ जाएगा. उसके बाद फिर मैंने ए प्लस बी में वही 6 अपॉन ए डालकर किया. नहीं तो ए प्लस बी में 6 अपॉन ए डाल के क्यों कर रहे हो बेकार में? अननेसेसरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यों जा रहे हो आप ये बताओ? आपने पूरा क्वेश्चन सही किया है, अननेसेसरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यों जा रहे हो अभी बताओ आप मेरे को जरा फिर से हेल्प करो. ए प्लस बी आपका कितना आया था? माइनस फाइव. ए प्लस बी आपका कितना आया था? माइनस फाइव. और ए इंटू बी आपका कितना आया था? सिक्स. यही बताया ना आपने? ए इंटू बी आपका सिक्स आया था. यहां से अभी जो अपन ने कैलकुलेशन की थी बेटा, यहां से अपन ए माइनस बी होल स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं. ए माइनस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी. So this will be equal to 25 minus 4 into 6 which is equal to 1. So a minus b is equal to 1. यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं. कोई ज्ञानी मेरे को ये मत बोलना कि सर a माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस 1 भी तो ले सकते हैं. a माइनस बी की वैल्यू हम सिर्फ प्लस 1 लेंगे. माइनस 1 लेके करोगे जो वैल्यू आएगी वो सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो इसीलिए पॉजिटिव वैल्यूज अपन लेते हैं. a माइनस बी की वैल्यू 1 आ गई. a प्लस बी की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई थी सर? माइनस 5 दी हुई थी. सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट? 2a इज इक्वल टू माइनस 4, a इज इक्वल टू माइनस 2. व्हेन यू विल पुट a इक्वल टू माइनस 2 देन b विल बी इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 3. क्या यही आपका आंसर? माइनस 2 एंड माइनस 3 यही आंसर बेटा? यस. ठीक है तो बेटा जहां पे भी अगर आपको a a प्लस बी इक्वल टू समथिंग एंड a इंटू बी इज इक्वल टू समथिंग मिले तो आपको सिर्फ वहां पे फिर a को b के टर्म में एक्सप्रेस करना, ये सारी गलतियां मत करो. डायरेक्ट उसको सॉल्व करके आगे बढ़ो. a माइनस बी मिल गया, a माइनस बी मिल गया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो गई, आगे बढ़ो यार खत्म. इसमें कौन सा इतना क्वाड्रेटिक लेके इतना क्या झमेला करना है? ठीक है तो प्रीवियस क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग सभी लोग रूट रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशियंट से ही करेंगे. यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व इट यूजिंग दिस मेथड. फैक्टराइजेशन वाले मेथड से मत करना, फंस जाओगे. ठीक है अगला क्वेश्चन शायद 16th नंबर था. गिवन दैट रूट 2 इज ए जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड द अदर टू जीरोस. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 14. ट्राई करना, नहीं आता है तो बताना मुझे. I will help you out, but this question is similar to question number 14, so I'm not going to solve. Next is question number 17. Given that the zeros of the cubic polynomial are of the form a a plus b and 2a plus a plus 2b for some real numbers a and b, find the values of a and b. अच्छा 17th question में किसे doubt था भाई?
अच्छा आपको था, ठीक है सुनिए, द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिख लो, द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टेन, और इसके जीरोज क्या क्या है, ए प्लस बी एंड ए प्लस टू बी, इसके जो जीरोज हैं वो ए प्लस बी एंड ए प्लस टू बी है। अब नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, द क्वेश्चन द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज सेइंग दैट, ठीक है चलो सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी एंड ए प्लस टू बी, दिस वॉज द मिस्टेक। नाउ व्हाट आई विल डू इज सबसे पहले सम ऑफ द जीरोज लिखते हैं, सो आई विल हैव थ्री टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्स, थ्री टाइम्स ए प्लस बी कैसे आया, ए प्लस टू बी, ए प्लस बी प्लस ऑफ ए प्लस टू बी विच इज इक्वल टू थ्री ए प्लस थ्री बी विच इज नथिंग बट थ्री टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू सिक्स, दैट गिव्स मी ए प्लस बी इज इक्वल टू टू, ए प्लस बी की वैल्यू मुझे टू मिल गई। नेक्स्ट इज सम ऑफ द जीरोज टेकिंग टू एट ए टाइम, सम ऑफ द जीरोज टेकिंग टू एट ए टाइम कर लो या सम ऑफ द जीरोज टेकिंग ऑल एट ए टाइम कर लो, तो व्हाट यू विल गेट, अब ध्यान से देखना क्या करने जा रहा हूं मैं, ए मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी प्लस बी, मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, ध्यान से सुनना मैंने क्या किया, मुझे बेसिकली मुझे फाइनली ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लिख लिया अल्फा बीटा गामा, तो वो हो गया ए मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस टू बी, जो था उसको मैंने ए प्लस बी लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी की जगह टू लिख दूंगा, तो आई एम हैविंग ए मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टेन, सो फाइनली फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग ए मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस बी इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिलती है टू ए प्लस ए बी इज इक्वल टू माइनस फाइव, ठीक है, या तो आप एक काम करो b इज इक्वल टू टू माइनस ए यहाँ पे पुट कर दो, b इज इक्वल टू टू माइनस ए यहाँ पे पुट करोगे यू विल स्ट्रेट अवे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a, व्हाट आई एम सेइंग पुट b इज इक्वल टू टू माइनस ए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, ये वाली है, व्हाट यू विल हैव what you will have just see a multiplied by 2 plus 2 minus a is equal to minus 5 4a minus a square is equal to minus 5 I will have a square minus 4a minus 5 is equal to 0 a square minus 5a plus a minus 5 equal to 0 a into a minus 5 प्लस वन इंटू ए माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो ए विल बी इक्वल टू माइनस वन और ए विल बी इक्वल टू माइनस फाइव, ए विल बी इक्वल टू माइनस वन कॉमा फाइव। अब यहां से मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं माइनस वन और फाइव, तो अपन एक जो मेरा सेट ऑफ अब ए की वैल्यू तो ये आ गई, अब बी की वैल्यू पुट करो, बी इज इक्वल टू टू माइनस ए, so b will be equal to 2 minus a which is nothing but 2 minus of minus 1 which is equal to 3, ya yahan se karoge it will be 2 minus 5 karoge to you will get minus 3, basically you are getting two set of values, ek aayegi a equal to 1 ke liye, ek aayega aapka a equal to minus 1 b equal to 3, to yahan se aapko a प्लस बी ए प्लस टू बी ये रूट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और दूसरा जब आप लोगे a इक्वल टू फाइव देन ऑल्सो यू विल गेट द थ्री वैल्यूज ऑफ योर रूट, सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी डन, ठीक है बात समझ में आई, यस ठीक है, एक बार ट्राई करना, नहीं होता है तो फिर बताना मेरे को, आई विल हेल्प यू आउट अगेन। क्वेश्चन नंबर 18 में भी किसी को डाउट है, ओके कैसे किया भाई क्वेश्चन नंबर 18,
सर ट्राई किया था फिर हुआ नहीं, फिर हमने फिर नेट पे रिफर किया तो वहां पर भी जो मेथड है वो समझ नहीं आ रहा। मतलब नेट लॉन्ग पे भी डिवीजन रेफर करने के कर, बाद नेट पे भी रेफर कर लिया। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, मैं हालांकि आप लोगों से बहुत दिनों से पूछना चाहता था, एक बात बताओ आप लोगों के स्कूल में, स्कूल में छोड़ो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो, यस एनसीईआरटी आप लोग सॉल्व करते हो, जस्ट से यस और नो ऑनेस्टली, करते हो तो भी बताओ, नहीं करते हो तो भी बताओ। यस करते हो? यस सर। यस सर। एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर सॉल्व किया है? हाँ सर। ये क्वेश्चन मिला था उस चैप्टर में? हाँ सर था उसमें। तो सॉल्व किया था वहां पे? दोज हु आर सेइंग कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है एंड ऑल्सो दे आर सेइंग दैट आई हैव सॉल्व एनसीईआरटी, द प्रॉब्लम विथ योर जनरेशन इज यू गाइज निग्लेक्ट एनसीईआरटी। एनीवेज द क्लास माइट एक्सटेंड टू बाई 5 मिनट्स बिकॉज दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जिनको रेस्ट लेना होगा दे कैन लीव द क्लास एट द टाइम एंड आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग्स, डोंट वरी। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इज ए फैक्टर ऑफ 2x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ऑल्सो फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल ले, के की वैल्यू निकाल लेते हैं, देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना होगा, लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को आपको जीरो के बराबर इक्वेट करना पड़ेगा। द रिमाइंडर दैट यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ के एंड आफ्टर सॉल्विंग आफ्टर इक्वेटिंग दैट रिमाइंडर टू जीरो यू विल फाइनली गेट द वैल्यू ऑफ के। तो एक बार के की वैल्यू मिल जाएगी then you can find all the zeros of the given two polynomials, that is not a big deal. सबसे बड़ी डील यहाँ पे ये है कि मुझे k की वैल्यू निकालनी है, so let us get started. अभी करूँ या कल करूँ सॉल्व? तो मतलब k की वैल्यू जब मिल गई हमें तो वापस इस पूरे k की वैल्यू रख के वापस इसको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा? नहीं, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। मान लो k की वैल्यू आपको से 3 मिलती है, सपोज यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ k एज इक्वल टू 3, नाउ व्हाट दे आर आस्किंग आपका जो क्वेश्चन होगा डेट विल ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ के, तो वहां पे आपको हर जगह के की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी। पहली चीज योर क्वेश्चन विल ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ के, क्योंकि यहाँ पे आपके डिवाइजर में के है तो डेफिनेटली योर क्वेश्चन विल ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ के, तो वहां पे आप के की जगह 3 रखो एंड फाइनली वॉट एवर क्वाड्रेटिक यू आर गेटिंग फैक्टराइज दैट क्वाड्रेटिक, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे जब आप k की वैल्यू 3 रखोगे तो यू आर गेटिंग वन पॉलिनोमियल इन 2 डिग्री, फैक्टराइज दैट पॉलिनोमियल, द फाइनल वैल्यू दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट ऑल्सो फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द टू पॉलिनोमियल, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वॉज दैट ओनली यू हैव टू फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ के सॉल्व बाई लॉन्ग डिविजन मेथड, जो भी फाइनल रिमाइंडर आता है इक्वेट दैट टू जीरो एंड गेट द वैल्यू ऑफ के। ओके सॉल्व दिस क्वेश्चन। आज आपका होमवर्क ये है क्या? आज आप लोग फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हो बेटा? फर्स्ट पार्ट में लॉन्ग डिवीजन हमें इसमें यही कर रहा है कि 2x रेज टू 4 प्लस x क्यूब माइनस जो है डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k से डिवाइड कर रहा है ना? हाँ जी तो सर आप... उसमें बुलिये, वो डिवाइड कर लिया उसके बाद क्या कर रहे हैं? डिविजन हो गया उसके बाद क्या कर रहे? रिमाइंडर क्या मिला बताइए? रिमाइंडर 21 प्लस 7 के होल इनटू x प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 6। एक मिनट 21 प्लस 7 के इनटू x प्लस आगे क्या मिला? 2 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 6। ठीक है चलो भाई मैं मान के चलता हूँ कि जो आपके फ्रेंड ने जो डिवीजन किया है वो एकदम करेक्ट किया है। नाउ व्हाट आई विल टू, ये जो देखो अब रिमाइंडर आपको जीरो ये मिल गया। नाउ क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि दिस पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डेट मीन्स ये जो रिमाइंडर आ रहा है दिस रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो बात मेरी बेटा? दैट मीन्स दिस रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट? बोलो बेटा। द सिंस इट इज गिवन दैट द गिवन पॉलिनोमियल इज ए
factor of this polynomial, that means the remainder should be equal to zero. Say yes or no. Yes, sir. Now, if the remainder should be equal to zero, I can write this as zero into x plus zero. Now, I will equate the coefficient of x to zero, and I will equate this term also to zero. या इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर दो या इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के. क्या मिला सर? 21 + 7k इज इक्वल टू जीरो. दैट गिव्स मी k इक्वल टू -3. अब k इक्वल टू -3 यहाँ पे पुट करके देखो, क्या जीरो आता है? क्या यस जीरो आ रहा है? 2k² + 8k + 6 में इफ यू आर पुटिंग k इक्वल टू -3, you are getting this expression as equal to zero. अब देखो यहाँ पे एक बात है जो मैं हमेशा आप लोगों को बार बार आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ. This is a quadratic equation. This is a quadratic equation. You will get two values of k. लेकिन एक ही value of k will be your answer, not both the values. यहाँ पे जब आप इसको सिर्फ आप इसको factorize करोगे तो one value you will get as k equal to -3. दूसरी value क्या आएगी बताना जरा, कोई मेरे को जल्दी से factorize करके बता सकता है? What is the second value that you will get? मान लो कुछ भी आई, k equal to 2 आ गई, ठीक है? That value is not important, but what I want to tell you, that is important. यहां से जब आपने सॉल्व किया तो आपको दो वैल्यूज मिली, एक वैल्यू मिली k equal to -3, एक वैल्यू मिली k equal to 2. दूसरा -1 आ रहा है. थैंक्स श्रेय. नाउ यू विल नॉट टेक दिस वैल्यू एज k equal to -1, क्योंकि अगर आप k equal to -1 पुट करोगे, अगर आप k equal to -1 कहां गया, इस पॉलिनोमियल में अगर आप k equal to -1 पुट करोगे तो दिस पॉलिनोमियल इज नॉट गोइंग टू बिकम जीरो, ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. कैसे पता चला मुझे? वो मुझे को इसलिए पता चला सर, क्योंकि यहां से मुझे k equal to -3 मिल रहा है, यहां से मेरे को k equal to -3 एंड -1 मिल रहा है. आई विल टेक द कॉमन वैल्यू ऑफ द टू. जब दो इक्वेशंस आती हैं और दोनों इक्वेशंस के कॉमन रूट की हम बात करते हैं कि इसकी वैल्यूज कुछ आ रही हैं, इसकी भी वैल्यूज कुछ आ रही हैं, देन इफ आई हैव टू टेक द कॉमन, ऐसी सिचुएशन बनती है कि आई शुड टेक द कॉमन वैल्यूज देयर, आई जस्ट टेक द कॉमन वैल्यूज ऑफ द टू. यहाँ से मुझे मिला k इक्वल टू -3, यहाँ से मेरे को मिला -3, -1, सो आई विल रिजेक्ट दिस -1. आई विल ओनली टेक k इक्वल टू -3. आई विल ओनली टेक k इक्वल टू -3, ठीक है? So this is how the question is to be solved. मैंने सिर्फ आप लोग को हिंट दिया इस क्वेश्चन का, आप लोग ट्राई करना. अगर फिर भी नहीं होता है तो आई विल डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो मॉर्निंग, ठीक है? सो कल सुबह मिलते हैं अपन. एंड दर्श, आप एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करना, अगर नहीं सॉल्व होता है तो बताना बेटा, कल बताऊंगा. और प्लीज नेक्स्ट टाइम से